पेट्रोल साला 60 रुपए लीटर था, सीधा 100 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। आप बताइए ना, कड़वा तेल महंगा, कड़वा तेल 160 रुपए कभी था? आप बताइए ना। के लोग कह रहे कि मोदी जी भी से लोगों के विकास के लिए बहुत काम कर, हाँ तो कर तो रहा है वो, विकास वहाँ लखनऊ में कर रहा है, कानपुर को छोड़े हुए, कानपुर को छोड़ दिया, इधर गंगा पड़ती है ना इसलिए नहीं आते हैं, मतलब गंगा के उस पार, गंगा के उस पार बदलेगी यहाँ की, मैं पूरा सरकार बदलने के, हाँ सरकार बदलेगी। क्या कर रही है अकेले, गेहूँ दे के दे रहे सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है, खाली राशन ये केवल फ्री देने से थोड़े कुछ हो जाता है। वो बेकार आदमी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अखिलेश यादव भी है, योगी आदित्यनाथ भी है। अखिलेश यादव ने आज सिफाई में कहा है कि भाजपा सिर्फ नाम बदल रही है, रंग बदल रही है। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि इस बार सपना देख रही है सत्ता में आने के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा। तो कानपुर में है, कानपुर के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है और क्या सोचते हैं। हरी, आप यहीं के निवासी? हाँ। हरीश पूरा नाम तो बताइए। हाँ हरीश। ठाकुर वाकुर कुछ? हाँ, 84 हो गए। ठाकुर नहीं है। अच्छा, तो कितने सालों से यादव है? अच्छा, हरीश यादव। अखिलेश वाले लग रहे हैं। हाँ, अखिलेश के अपनी वोट देना है। अच्छा, तो ये हरीश जी ये बताइए कि 5 वर्ष ये योगी जी का रहा, उससे पहले अखिलेश जी का रहा, तो दोनों राज्यों के या दोनों मुख्यमंत्रियों के में किस तरह का परिवर्तन देखे? और परिवर्तन तो बहुत खराब हो गया है, जब से सरकार आई है तब से महंगाई कमर तोड़ के रख दी है। और क्या बताएं, जो चीज़ 50 की थी वो 100 रुपए की हो गई है, 1000 की थी वो 2000 की हो गई है, उसमें क्या बताया जाए? बताओ कैसे समझा जाए कि ये सरकार जो है हम लोगों की, गरीबों की है, कुछ भी नहीं है ये। अभी टीवी में आने वाला है, आने दो टीवी में। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे अखिलेश जी थे 2012 से 17 तक, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा था उनका कार्यकाल, इतना गरीब आदमी परेशान नहीं रहता था जितना परेशान इसमें है। कह रहे कि हम जनता के आम व्यक्ति कर रहे हैं, बताइए आप कुछ कर रहे हैं क्या? इतनी बता रहे हैं, ये नौकरियां दे दिया, वो नौकरियां दे दिया, किसको नौकरियां दे दिया? हमको तो बताओ ना कोई कि किसको दे दिया। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला पकड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अच्छे अच्छे ग्रेजुएट आदमी जो है ठेलिया चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बताइए आप। दिल्ली में तो बड़का बड़का भाजपा पोस्टर लगा रही है कि हम लोगों ने इतना नौकरी, कहीं नौकरी बताइए ना, कहाँ नौकरी दिया है? एक नंबर देना। क्या नहीं है, अब की बार सरकार बदलेगी यहाँ की, मैं पूरा सरकार बदलने के, हाँ सरकार बदलेगी। क्या कर रही है अकेले, गेहूँ दे के दे रहे सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है, खाली राशन ये केवल फ्री देने से थोड़े कुछ हो जाता है। बताइए, एक सिलेंडर पहले मिलता था 450-600 का, इस समय 300-400, हाँ 400-450 तक था अखिलेश के समय में, इस समय बताइए 900 रुपए का हो गया सिलेंडर। लोग तो आवाज़ भी तो नहीं उठा रहे, आवाज़ कहाँ से उठाएंगे? सारी गवर्नमेंट इनकी है, चारों तरफ इन्हीं की गवर्नमेंट है, ऊपर से नीचे तक का आदमी कहाँ आवाज़ उठा पाएगा? आप बताइए। अखिलेश जी ठीक हैं? हाँ अखिलेश ठीक हैं। तो लग रहा है कि इस बार फिर से वापसी होगी? वापसी होगी अब की बार, यहाँ उत्तर प्रदेश में तो उनकी वापसी होना तय है, आप समझ लीजिए। तो योगी जी से नाराज हम किसी से नहीं होंगे, वो भी जीत जाएंगे तो कोई कुछ, लेकिन महंगाई को तो ध्यान देंगे ना, कितनी महंगाई क्यों हो रही है? आखिर सब जगह टैक्स कट रहे हैं, हर चीज़ कट रही है, तो महंगाई ये कहाँ से आ रही है? पब्लिक के ऊपर तो डाले पड़े हैं, पेट्रोल साला 60 रुपए लीटर था, सीधा 100 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल, आप बताइए ना। कड़वा तेल महंगा, कड़वा तेल 160 रुपए कभी था? आप बताइए ना। के लोग कह रहे कि मोदी जी भी से लोगों के विकास के लिए बहुत काम कर, हाँ तो कर तो रहा है वो, विकास वहाँ लखनऊ में कर रहा है, कानपुर को छोड़े हुए, कानपुर को छोड़ दिया, इधर गंगा पड़ती है ना इसलिए नहीं आते हैं, मतलब गंगा के उस पार, गंगा के उस पार। चार साथियों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे अखिलेश यादव ने आज सिफाई में कहा कि योगी जी सिर्फ रंग और नाम बदलने का प्रक्रिया करते हैं। वो तो शुरुआत से ही फाइट करने लगा था कैस्को की पूरी समस्या, उसने खंबे ट्रांसफार्मर अब बैठते ही बदलवाने चालू कर दिए थे, वो तो विकास के रास्ते पे। अरे सरसों तेल 200-250 रुपए पड़ गया, तो उस पर भी तो जनता तो पैदावार के ऊपर है, सरसों तो इस बार अच्छा पैदावार तो आएगा बाजार में, सरसों इस बार आप कह रहे अच्छा पैदावार, हमें लग रहा है अच्छा पैदावार नहीं हुई। पेट्रोल भी 200-150 रुपए जैसा कि 100-110 रुपए बिक रहा है, तो उसको लेकर भी लोग जो है वो 400 रुपए किलो भी होगा, जिसकी जरूरत होगी वो डलवाएगा, नहीं जरूरत होगी नहीं डलवाएगा।
वो बेकार, उसको हम लोग को वैल्यू नहीं समझते। इस बार किस तरफ है? अब ये तो देखिए, इतनी जल्दी तो कोई आदमी बता नहीं पाएगा, डिसीजन ले लेगा। जब जो सरकार वो नहीं बता सकती है, हम आप क्या बता पाएंगे। ये तो जब वक्त आएगा, जनता किधर जाएगी, अच्छा काम कर जाएंगे 4 महीने में 6 महीने में, ये तो भाजपा की तरफ भाग जाएगी, हम खुद ही भाग दे देंगे वोट। पिछली बार दिया, लेकिन अब जब जैसा माहौल आएगा वैसा देखा जाएगा। माहौल के हिसाब से बात होगा, हर चीज़ वक्त पे देखी जाती है। वक्त एन टाइम पे आता है, फटाफट जनता निर्णय ले लेती है, तो 24 घंटे में निर्णय हो जाता है, फैसला हो गया, तत्काल उसका चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, खत्म काम। बात बताइए कि अभी जैसे 2012 से 17 अखिलेश जी थे, उससे पहले मायावती जी थी, फिर अभी जो है फिर से योगी आदित्यनाथ जी है, तो 2022 का चुनाव है, तो किन तरह के घरेलू मुद्दे हैं जिन पर जो है जनता इस बार वोट? मुद्दे अपने आप निकल गए थे, जनता थोड़ी नहीं मुद्दा, मुद्दे तो नेता है, खुद ही मुद्दे निकाल देंगे, 1 महीने पहले ही निकाल देंगे, काहे परेशान है आप। कोरोना काल में ठीक रहा सरकार, अच्छा काम किया सरकार ने। आप थोड़ा सा उत्तेजित होकर बोल रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि आप गुस्से में बोल रहे हैं या प्यार से बोल रहे हैं, समझ में नहीं आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि आपको जैसा चाहिए था वैसे उत्तर दे रहे। आपने योगी जी के बारे में बोला, अच्छा है, और बताइए अखिलेश जी का खराब रहा? हम किसी को खराब क्यों कहे, वो भी अच्छे हैं भैया, 5 साल देश के मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, वो भी अच्छे हैं। अच्छे ना होते तो मुख्यमंत्री बनते, ये पहले बताइए आप, सीधी सी बात है। कुछ मेरा नाम है अब्दुल सलाम जाफरी। अच्छा, अब्दुल सलाम जाफरी साहब, आप कानपुर के निवासी हैं? कानपुर के नहीं, बिहार के रहने वाले, कानपुर में रहते हैं। अच्छा, कानपुर में, बिहार छोड़ दिया? सर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करते थे, तो अब मैं जो हूँ। कैसा रहा 5 वर्ष अखिलेश जी या योगी जी का? अब भैया योगी जी का अब क्या बताया जाए, इतनी दिक्कतें परेशानी, सभी लोग परेशान हैं, क्या बताएं, हर आदमी दुखी है, बता ही नहीं पा रहा है बेचारा, अपना दुख कह ही नहीं पा रहा किसी से, किससे कहे जाके। फैक्ट्रियाँ इतनी थी, सब बंद हो गई, निकाल दिए गए कर्मचारी, निकाल दिए गए बेरोजगार, इधर उधर घूम रहे, कोई ठप्सी ठेला लगा ले रहा, कोई लहिया पट्टी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ लोग गाँव भाग गए, यही चल रहा है। तो दिल्ली में हमारे पोस्टर लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। अब भाई वो जो लिखेंगे वो मानेगी जनता, क्या करे, उनको वो कह रहे हैं ना, लेकिन आम जनता भी तो कहे इस बात को। अच्छा एक बात बताइए कि अखिलेश असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार 2022 के चुनाव में है उत्तर प्रदेश में, आप मुस्लिम समाज से हैं, तो उनको लेकर किस तरह का? वो बेकार आदमी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। महंगाई तो कमर तोड़ के है। हाँ भैया महंगाई तो बहुत है, गरीब आदमी जो बेरोजगार हो गया वो तो बिल्कुल चारों तरफ गिर गया, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, बच्चों से पढ़ना बंद हो गया है, एक तो ऑनलाइन पढ़ाई कर दिया, 10,000 रुपये मोबाइल दिलाओ बच्चों को, अब जिसके बाद औकात नहीं 10,000, उसका बच्चा तो घर में बैठ गया, 10,000 का मोबाइल दे रहा है, बच्चा पढ़ कहाँ रहा, तो फिल्म देख रहा, पबजी खेल रहा है। अब माँ बाप कितना गाइड करेंगे भैया, माँ बाप इतना पढ़ा लिखा जिसका नहीं वो कहाँ समझेगा, माँ बाप जिसके नहीं इतने पढ़े थे तो पर स्कूल जाता था 4-5 घंटे स्कूल में रहा, तो कम से कम माँ बाप भी फुर्सत में रहते थे, अब ये दिन भर घर में रहें, इधर उधर शैतानी कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं गंदा, कौन माँ बाप पीछे लगे कितने बच्चों के पीछे यार। फोन लेके दिया जाए किनके, कितने कितने बच्चों के फोन दिया जाए, कितना दीजिएगा बताइए, आप बोलो ना, इधर आके क्यों उधर मुँह छिपा रहे हो? ठीक है, बोल दिए, बोल दिए, बोल दिया। तो और कुछ और साथियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश आज कानपुर में है, 10-12 दिन यहाँ कानपुर कवरेज करेंगे और लोगों से जानेंगे कि इस बार कानपुर में वो क्या सोच रहे हैं, कानपुर के कि किस तरह से, यहाँ 5 शहर में 5 विधानसभा है, जिस पर 2 भाजपा है, 2 सपा है और 1 पर कांग्रेस है, तो यहाँ का थोड़ा सा 50-50 वाला बैलेंस देखने को मिला, क्योंकि 5 में से 3 पर तो 2 पर जो है समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस, 2 पर भाजपा है, तो और लोगों से बातचीत करेंगे और कानपुर में बताएंगे कि इस बार जनता क्या सोच रही। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए कानपुर से, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।